नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और मेरा नाम है मनमीत सिंह। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए नए बिजनेस आइडियाज़ देखते रहते हो और हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे वो अभी बहुत डिमांडेबल बिजनेस है और उसका इतना ज़्यादा डिमांड है कि अगर आप शुरू कर लेते हो तो एक महीने के अंदर अंदर आपके सेटअप के पैसे वापस आ जाएंगे। तो ये बिज़नेस अभी आपको बताने जा रहे हैं, ये पेपर से रिलेटेड बिजनेस है जिसे हम आज के टाइम में शॉपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और इसे हम पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पेपर बैग कैसे बनता है, क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और कैसे हम इसमें कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए नए बिजनेस आइडियाज़ हमारे चैनल में आते रहते हैं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक बैग के बैन होने से मार्केट में और कोई पैकिंग का आइटम नहीं है, तो इसका जो प्रॉपर विकल्प है वो आज के टाइम पे पेपर बैग है, जो कि पूरा ही बायोडिग्रेडेबल है और मार्केट में इजीली अवेलेबल होने वाला है। बट इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जहाँ पे हम पन्नी को यूज़ करते थे, आज के टाइम में हम सिर्फ इसको पेपर के बैग को ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से पेपर बैग का डिमांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया है। तो अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों, चलो अब जान लेते हैं कि इस बिज़नेस में हमें क्या क्या मशीनरी रिक्वायर्ड है, कैसे हम इसको शुरू कर सकते हैं और कितनी लेबर और कितनी जगह से हम इस स्टार्टअप को लगा सकते हैं। तो बेसिकली पेपर बैग मेकिंग मशीन में हमारे पास 4 से 5 तरह के मॉडल्स आते हैं, जो कि बेसिकली साइजेस के हिसाब से होते हैं। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास कुछ सैंपल्स पड़े हैं। ये वी टाइप पेपर बैग है, जिसको हम वी टाइप बॉटम कहते हैं, जिसका नीचे से बॉटम ऐसे का होता है वी शेप का, उसको हम कहते हैं वी टाइप पेपर बैग, और जिसका पूरा स्क्वेयर होता है उसको कहते हैं स्क्वेयर बॉटम पेपर बैग। तो मार्केट में जो पन्नी की जगह लेने वाला है वो सारा है वी टाइप पेपर बैग, और इसका मार्केट में डिमांड सबसे ज़्यादा है। अगर आप इस मशीन को लगा के शुरू करते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और इसका जो सेटअप है वो कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये छोटा बैग है, ये सारा वी टाइप पेपर बैग तैयार हुआ है इसका मशीन, और अगर आपने बड़ा बैग बनाना है तो ये एक ही मशीन में भी बन जाते हैं। बेसिकली आपको मशीन लेना होता है कि आपने कितने साइज़ का मैक्सिमम बनाना है, उससे नीचे वाले सारे एक ही मशीन में बन जाते हैं, आपको अलग अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। बट जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ता है आपको अलग अलग साइज़ का अलग अलग मशीन लगाना पड़ सकता है, क्योंकि आपका डिमांड ही इतना ज़्यादा है, आप उतनी प्रोडक्शन दे ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से ये सभी साइजेस की मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है। आपने जो भी साइजेस का मैक्सिमम बैग तैयार करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें आपको मशीन रिकमेंड करेंगे और आप वो ले सकते हो। आप देख सकते हो ये सारा वी टाइप का पेपर बैग तैयार हुआ है। जितना लंबा जितना चौड़ा आप मशीन में सेटिंग करोगे उसी हिसाब से सारा आपका पेपर बैग तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आसान काम है, मशीन के पीछे सिर्फ रोल लग जाना है क्राफ्ट पेपर का। ये सारा क्राफ्ट पेपर के रोल होते हैं, ब्राउन कलर जितना भी है ये सारा क्राफ्ट पेपर का रोल होता है। मशीन के पीछे आपने रोल लगाना है और जो भी आप साइज़ की सेटिंग करोगे उसी के अकॉर्डिंग बैग तैयार करके मशीन बाहर निकालता जाएगा। कोई लेबर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपको आदमी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ऊपर रोल चढ़ाना है और इसने ऑटोमेटिकली काम करते जाना है, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान काम है। तो चलो मैं अभी दिखा देता हूँ कि कैसे बैग तैयार होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग वीडियो आपको दिखा देता हूँ, कैसे बैग में आपको तैयार होकर बाहर निकल के क्या आपको फाइनल प्रोडक्ट। Thank you.
दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पेपर बैग तैयार होता है और कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो आपको पता लग गया होगा कि कितना आसान काम है। तो चलो अब इसका देख लेते हैं क्या प्रॉफिट मार्जिन है और हमने इसको कैसे सेलिंग करना है। सबसे पहले मैं सेलिंग की बात बता दूं कि जितना भी ये पेपर बैग है वी टाइप का, ये सारा आपका सेल होगा ग्रॉसरी की शॉप्स में, मेडिकल शॉप्स में, और जैसे भी आपके खाने पीने की दुकान है वहाँ पे सेल होगा। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उनके साथ टाइप करो, उनको बैग बना के दो। अगर कोई प्रिंटिंग करवाना चाहता है उसको प्रिंट करके दो, तो आपका उसी में सारा काम हो जाएगा, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका मार्केटिंग जो है काफ़ी ईजी रहने वाला है। आज के टाइम पे इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, आप जिसके पास भी जाओगे वो आपको झट से प्रोडक्ट ले लेगा, आपको एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका सेलिंग ईजिली हो जाता है। तो अभी हम जान लेते हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। इसका जो क्राफ्ट पेपर आता है, ये जितना भी आप ब्राउन शेड का पेपर देख रहे हो, ये सारा क्राफ्ट पेपर होता है। अलग अलग GSM के हिसाब से कितने GSM के आपने पेपर लेना है, कितने आपका क्वालिटी चाहिए, क्या ब्राइटनेस में चाहिए, उस हिसाब से पेपर सारा मार्केट में आता है। तो जो भी GSM का पेपर लेना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग उसके रेट हैं। लगभग इसका जो रेट आता है आपका क्राफ्ट पेपर का, आपका 35-40-50 के आसपास जाता है पर केजी। जैसे का क्वालिटी देते जाओगे वैसे का आपका प्रोडक्शन जो है उसमें वेरी करेगा, वैसे की क्वालिटी आपकी बैग की तैयार होगी। जैसे आप देखते हो ये थोड़ा सा ग्लॉसी शेड में है, ये थोड़ा सा मैट शेड में है, जैसे का पेपर लोगे वैसे का आपका बैग तैयार होगा। तो इसका जो आगे बैग तैयार होते हैं डिपेंड करता है कितने MM के आपने बैग तैयार करने हैं, कितनी क्वांटिटी के बैग है, उसी के अकॉर्डिंग सभी की अलग अलग प्रोडक्शन आती है। तो अगर हम रफली प्रॉफिट लेके चलें, आज के टाइम पे अगर हम होलसेल में भी जाते हैं तो 20-30% इसमें मार्जिन आता है पर आपका पर केजी के पीछे, 1 KG के पीछे आपको 20-30 मिनिमम मार्जिन मिल जाता है। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपको, मतलब एक तो मार्केटिंग करने की नहीं ज़रूरत आज के टाइम पे, और सेलिंग आपकी उसी वक्त हो जाएगी और मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हो तो आपको एकदम बूम मिलेगा और आपको मतलब ज़्यादा पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 4-5 लाख का बजट है तो आप उतने पे भी शुरू कर सकते हो, वी टाइप जो बैग है सारा उसी में बनेगा, अलग से आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। तो काफ़ी आसान काम है। इस बिज़नेस के रिगार्डिंग अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल में सारा इसका बिज़नेस के प्रोजेक्ट जो है वो समझाएंगे। और कोई भी दिक्कत आती है तो जब मर्जी हमें कॉल करके हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। तो चलो बंद करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी दिक्कत आए तो हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें, मैसेज करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।